एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा तथ्य है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, नहीं। सब के कहेंगे सवेरे अपनी छोरी ने समझाओगे, देखे बेटी तू स्कूल में जा से, तू कॉलेज में जा से, देखे मेरी लाडो सर पे चुन्नी रखा कर, नजरा ने नीची रखा कर, देखे संभल के चलिया कर बेटी, जमाना बहुत खराब से। समझावे नहीं सारे अपनी बेटी ने, सब समझावेंगे, देखे बेटी कोई ऊंच नीच ना हो जाए, ध्यान राखी, अपनी लाडो ने सत्तर बार समझावेंगे। और कदे अपने इन लाड लिया ने भी समझा लिया करो, कोई माँ बाप सोआ मत एक आधा ईसा पाओगा जो अपना छोरा नुकंदा होगा, तेरे गट्टिया ना तोड़ दूंगा जे कि मैं गलत काम कर दिया। तो समझाना तो दूर की बात, इनका तो दोहरा भी नहीं बैठ दे, नानू देख दे तारा लाल फोन में की देखने लग रहा है के सिस्टम चल रहा। अरे बेटियां बताव देने लग रही है, बेटे कौन सा घाट से। मैं ये नहीं कहता कि बेटियां बुरी नहीं है, आज जमाना इतना खतरनाक आ गया लोगों, टेम इतना गंदा आ गया, छोरी भी घाट नहीं, छोरे भी घाट नहीं, मैं भी किसी का छोरा हूं, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा, सब अलग दी बात करूंगा। मेरे चाचे ताऊ भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, मेरी बेबे भी बैठी है, मेरी ताई, मेरी चाची, सारे उम्र के लोग यहां पर बैठे हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, शर्म नहीं होनी चाहिए इन बातों में। अरे जितनी दावत हम एक छोरी पर दे हो, थोड़ी बहुत अपने बेटे ने भी समझा लिया करो। बेटा जो कर अपनी बेटी ने को नहीं, बेटी इज्जत का दाग ना लागण दिए, कदे नू भी कह दिया करो सुई वर्ग मुंह वाले, किसी के घर की इज्जत खराब ना करिए। बेटा मेरे भाइयों बहनों, कौन समझाएगा, कौन समझाओगा नू, बताओ। मैं एक पक्ष की नहीं कर रहा, फिर कह रहा मैं दोनों पक्ष की कह रहा हूं। कदे कमेंट करने वाले भाई नू कहने लाग जा तू छोरा हो, कहने इनकी बुराई करे, ऐसा नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं ये बात, कमी किसी में भी हो सकता, छोरों में भी छोरी में भी, लेकिन दोगली नीत ना रखो, दोगला समझाना नहीं होना चाहिए। अगर छोरी ने समझाओ तो अपने बेटे ने भी समझाया करो। लिखने वाले अपने मन के भाव लिखे के बोल, ध्यान से सुनना कैसे लिखा बना। ए रे बेटी ने सब समझावे, दियो बेटा पे भी दाब रे, कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। बेटी ने सब समझावे, दियो बेटा पे भी दाब रे, कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना। सोच सोच के हरदम सोच रहे जा, बखत बुरा से सोच सोच के हरदम सोच रहे जा, डर लग से ओ डर लग से कदे टूट जा, डर लग से घर कुल देख के ख्वाब रे, कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे। बेटी ने सब समझावे, दियो बेटा पे भी दाब रे, कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे।
लिए प्यारी हो से फर्क समझना बिल्कुल गलत है। वो आदमी नीच है, घटिया सोच का इंसान है जो अपनी बेटी ने तो अपनी समझे और दूसरे की बेटी ने न्यू सोचा तो नू हंड ऐसा नहीं जे। सबकी बान बेटी सब ने अपनी इज्जत प्यारी लागे से। जुकर बेटी ने धोरे बैठ कर सीख दे, ए मेरी माता हो आज उड़ के प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे से भी। उसी कोक से बेटी निकली है, उसी कोक से बेटा निकला है। अगर बेटी ने समझा सको तो बेटे ने भी समझाया करो। अरे ताऊ बैठे मुछाड़े मंडाशाड़े तारा भी फर्ज बने से। नुका करो रे बेटा देखे जुकर अपनी बाण से अपनी बेटी से ना वह भी किसी की बाण बेटी से किसी ने गलत नजर से मत देखना। लोगो ये मानवता ये है, ये इंसानियत है, ये फर्ज है हमारा। लेकिन सबकी दोगली नीत हो रही है। नंबर दो पे बड़े गर्व के बोल के कैसे बता सबकी फर्क समझना ठीक नहीं। बेटी बाण एक हो सबकी फर्क समझना ठीक नहीं। इन पता कहो इन पता का ध्यान रखिए, इन पता का ध्यान रखिए चलिए बे हिसाब रे। कदे किसे पे भर की इज्जत करिए ना खराब रे। बेटी ने सब समझावे दियो बेटा पे भी दाब रे। कदे किसे पे भर की इज्जत करियो ना। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो घना लाड करवाओ ना से, घना लाड करना ठीक नहीं। ना तो घना बेटे थे ना घना बेटी थे। सारी चीज मर्यादा में होनी जरूरी है, लिमिट में होनी जरूरी है। कनखरे माँ बाप देखे हम नहीं से जा बेटा गेम खेल ले पर कमर में बैठ जा। अब उन्होंने बेरा भोर में के देखने लग रही बालक बिगड़े आठ तो शुरुआत हो है। सच्चाई आठ तो शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे अगर ज्यादा लाड करोगे घने मुंह लाओगे नहीं तो फिर क्या होगा। ऐसा कोई ना कोई कुकरम होगा। आजकल देख लियो सरकार ने भी इतने गंदे कानून बना रखे। मैं तो गंदे कहूंगा इन्हें। गम्मे की छोरी गटज है, गम्मे का छोरा गटज है, कोर्ट में ब्याह कराया है सरकार नु कुछ लाइयो इनका हत्या नाम देखांगे। इससे गंदा कानून और क्यों होगा रे लोगो। क्या कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियम रूल रेगुलेशन कुछ नहीं रहा। हत है भाई कमाल है। कैसी बकवासबाजी है ये, बकवासेबाजी और के यार। मेरे भाइयों बहनों ऐसी नौबत ना आए ध्यान रखो पहले। फिर सारी उम्र नाड़ ऊपर नहीं उठती। अरे उस बाप ने पूछ के देखो जो पंचायत में बोलने जो गंद रहता। फिर उस लोगाई ने पूछ के देखो जो पड़ोस में बैठने जो गिंद रहती। शर्म आवे सियाने आदमी समझे इन बात ने। जितने भी मेरी उम्र के भी बच्चे मेरे भाई मेरी बहन इस वीडियो के देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है बेबे मेरे भाइयों कोई ऐसा कर्म मत करना जिससे आपके परिवार को आपकी फैमिली को नीचे देखना पड़े। यू है जगराता से या है जागृति से, यू है गाना से, यू है बजाना से, इस ताक की में नहीं है। यू है संगीत है बस कैसे लिखा। घना लाडला अच्छा होता
धर्म ते खेती जय कोई हो जा पुजनीत तेरे तुक धर्म ते खेती आए जिंदगी लगे ओ जिंदगी लगे बोझ दाम जा जिंदगी लगे बोझ दाम जाए पितर ले मडाप रे तेरे कद किसे पे घर की इज्जत करिए ना खराब रे बेटी ने सब समझावे दियो इतना खतरनाक आ गया। बहुत सारे माता पिता जो इस टाइम इस भजन ने सुनने लग रहे उनके मन में एक बात आ रही होगी रामधन बेटा कब तो ठीक से पर न्यू कौन बेरा पटदा ये कुआं मको गुल खिला जे हमके सारी आनिन के गल्लर हुआ। आपकी बात 101% सच है माताजी पिताजी जो भी आप इस भजन सुन लग रहे हो लेकिन कम से कम इतना दायित्व तो हमारा बने है परख तो उसे माँ बाप ने न्यू तो परख हो गड़बड़ हो ली ध्यान रखा करो बड़ा जरूरी है। देखो जमा हाथ वर्दा को नहीं गलत काम का जो जिसने गलत कर्म करना वो करेगा लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो दायित्व पूरा करो कम से कम। लिखने वाले नंबर 4 पर सलाह दी कैसे बता जितनी निगाह रहे ध्यान परखियो बेटा बेटी रह गए दे मैं करके ध्यान परखियो ओम गुरु कह ओम गुरु कह राम धन लिखिए ओम गुरु कह राम धन लिखिए कविता लाजवा बेटा पे विदाब रे हद किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे कदे किसे के घर की इज्जत करिए ना खराब रे।